अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा तो बिल्कुल उसी के ऊपर वीडियो है। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड वगैरह की कोई ब्लॉग की वीडियो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आउटिंग करके आप लोगों के साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि तमाम बोर्ड्स ने और स्पेशली के पी के बोर्ड ने जो है वो मैट्रिक का कोर्स जो है वो रिड्यूस किया है, ठीक है। तो वो सी रिड्यूस्ड कोर्स में जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, तो ये जो है सारे मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, ठीक है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स है उसका टाइम भी एक्सटेंड किया गया है, तकरीबन मई में एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें जो है आप सब थोड़ी सी भी अगर मेहनत करें तो बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, नाइन्थ स्टूडेंट्स की और टेंथ के स्टूडेंट्स की। तो इंशाल्लाह सब के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो केपीके का जो रिड्यूस्ड कोर है, मतलब स्मार्ट सिलेबस है, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो तकरीबन अभी भी एग्ज़ाम में कुछ कोर्स जो है स्कूल में भी कवर किया होगा आप लोगों ने, और अभी जो है अगर एग्ज़ाम तक आप लोग स्टडी करना चाहें, उसको रिवाइज़ करना चाहें, तो तकरीबन एक महीने में आप जो है या दो महीने में वो सारा कोर्स जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि वो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को केपीके का जो स्मार्ट सिलेबस है वो चाहिए तो वो भी मेरे पास पीडीएफ में पड़ा हुआ है, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो अपना ईमेल कमेंट में जो है वो मेरे साथ शेयर करें, कमेंट में लिख के अपना ईमेल और कह दें कि मुझे जो है अपना वो स्मार्ट सिलेबस जो है वो शेयर करें, तो मैं वो जो है जिसने भी अपना ईमेल दे दिया तो मैं उन सबको जो है वो स्मार्ट सिलेबस सेंड कर लूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ बेस्ट कि आप लोगों के सारे जो है अल्लाह करे कि ज़्यादा नंबर आ जाएं, और कोशिश करें आप भी कि अच्छे नंबर लें। और मेरी सब मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को सबको जो है ये नसीहत है और ये एडवाइस है कि ये फजूल गेम्स वगैरह में ना पढ़ें, ठीक है। आजकल सारे लोग जो है इसी में लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी भी अगर मेहनत करें ये बहुत ही एक गोल्डन चांस है, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि बोर्ड का जो कोर्स है वो रिड्यूस करके सिलेक्टेड टॉपिक्स में एग्ज़ाम जो है आज जो है इस दफ़ा लिए जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए, और स्पेशली जो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है गोल्डन चांस है, क्योंकि उनका जो अब इस दफ़ा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बेस पर उनके नाइन्थ के मार्क्स भी जो है उनको दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करने पर जो है आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, और बेस्ट ऑफ लक, अपनी स्टडी जारी रखें। और मेरे लाइक जो खिदमत हो, जो भी मुझे कुछ पूछना हो एग्ज़ाम के बारे में, कोर्स के बारे में, या अगर कुछ मुश्किल हो मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश वगैरह, उर्दू एसेज जो है इंग्लिश के एसेज, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए भी हैं, और जो नाइन्थ के रहते हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा जल्द ही। मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो इसलिए टाइम कम मिलता है मुझे, तो इसलिए वीडियो जो है बहुत लेट आती है, लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। और मैं एक एक्सक्यूज़ करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, क्योंकि रोड है तो इसलिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है, लेकिन आप अगर हैंड फ्री लगा कर सुनेंगे तो मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को साफ़ सुनाई देगी। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।